अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आपको अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वीडियो की स्क्रीन में, कि मेरे पास यहां पे ये दो शॉर्टकट बने हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इनका जो नाम रखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला जो है उसमें शट डाउन टाइमर रखा हुआ है, जो कि जिसको मैंने 2 hours सेट किया हुआ है, और जो नीचे है वो कैंसिल शट डाउन का मतलब है। ये बिल्कुल एक बगैर किसी सॉफ्टवेयर के ये मैंने बटन बनाए हैं, आप भी सिंपली बना सकते हैं। अगर आप अपने टाइम कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं और आपको कहीं जाना है और आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका बंद हो जाए, तो आप ये सिंपली बगैर किसी सॉफ्टवेयर के बना सकते हैं। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जूम आउट कर ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं इन दो बटन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चेक करा के टेस्ट करवा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टाइमर सेट हो गया है, और अब इस टाइम के 2 घंटे बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस दौरान चाहते हैं कि मैं कैंसिल कर दूँ इसको, तो सिंपल आप यहाँ पर कैंसिल शट डाउन जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो टाइमर है वो किल हो गया, वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, और आप एक लेस देन 1 मिनट में इसको क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप अपनी मर्जी से, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 hours, आप इससे ज़्यादा भी इससे कम भी जितना आप टाइम सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम एक नई फाइल क्रिएट करके आपको भी बस पता चल जाए कि किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैंक जो स्पेस है यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे न्यू में क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं आके शॉर्टकट पे क्लिक करूँगा। जैसे ये शॉर्टकट बन जाएगी तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शट डाउन माइनस एस स्पेस माइनस टी, और यहाँ पे मैं वो टाइमिंग लिखूँगा। याद रखना है कि टाइमिंग आपकी सेकंड में होनी चाहिए। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और जैसे ही मैं 2 घंटे सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यहाँ पे मैं 7200 सेट कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ पे एरर दे रहा है, शट डी और डब्ल्यू एन, ये मैं शट डाउन पूरा मैंने नहीं लिखा था, जिसकी वजह से उसने वो एरर शो किया है। तो अभी जैसे मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे वो कहता है कि इसका कोई नाम रख दे, मैं इसका नाम रख देता हूँ शट डाउन टाइमर 2 hours। आप बनाने के बाद भी इसके टाइम चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, और इसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह बना सकते हैं। इस पर आप फिनिश कर देंगे, फिनिश करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने ये बन जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसका आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर मैं चेंज आइकन, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, इसको मैं ओके करूँगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ रैंडमली आइकन, आप यहाँ से ख़ुद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ से इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये शट डाउन का जो आइकन है इसको मैं ओके कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं ओके करने के बाद सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट की आपको बना के बता देता हूँ कि आप इसको शॉर्टकट की के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं Ctrl Alt 1, ये देखिए Ctrl Alt 1, ये मैंने इसकी शॉर्टकट की सेट कर दी है। अभी इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइमर में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका टाइम है इसको आप यहाँ से, जैसे मैं ये अभी इसको 1 घंटा कर दिया है, तो अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका अभी 1 घंटे का टाइमर बन गया है। अभी इसको कैंसिल का किस तरह बनाते हैं, उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। इसको न्यू पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू वाले ऑप्शन पर लेके आऊँगा कर्सर, और जो साइड आइकन है उनमें से मैं यहाँ पे फिर शॉर्टकट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा शट डाउन माइनस ए, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं कह दूँ लिख दूँगा इसका जो नेमिक्लेचर है कैंसल शट डाउन, उसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर दूँगा, तो ये कैंसिल का बन गया है। अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, और इसका भी मैं यहाँ से प्रॉपर्टी में आइकन चेंज कर दूँगा,
सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक क्रॉस का यहाँ पे होगा ये, इसको यहाँ पे से मैं ओके कर देता हूँ। इसके लिए मैं जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट टू सेट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें बन गई हैं, हमने बगैर किसी सॉफ्टवेयर के ये क्रिएट कर दी हैं। अभी सिंपल जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आल्ट वन करूँगा तो ये टाइमर सेट हो जाएगा, और जैसे कंट्रोल आल्ट टू करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, या इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका था, जो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आई थी तो जिसकी वजह से मुझे ये फाइंड करना पड़ा। तो मैं चाहता था कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करें और मैं भी किसी के लिए ये काम आ जाए। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, और मुझे उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।